तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ओपन पल्लू लेना बहुत ही अच्छा लगता है? और पार्टी और फंक्शन में अगर हम ओपन पल्लू लेते हैं तो कुछ अलग ही एलिगेंट लुक हमारा दिखाई देता है। और परफेक्ट रैपिंग अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं ओपन पल्लू के लिए कुछ ट्रिक्स, एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आपका ओपन पल्लू बहुत ही अच्छे से कैरी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिक टक के साथ हम हमारा साड़ी रैपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे बेसिक टक के साथ। अब जो पोर्शन आता है पल्लू का, उसको हम लेंगे और इस तरीके से गैदर करते हुए अब मैं इसको पीछे की तरफ से एक राउंड लूँगी और मेरे लेफ्ट वाली शोल्डर पर इसको डाल दूँगी। अब ओपन पल्लू लेते वक्त हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पल्लू की लेंथ जो है तो ज़्यादा हमें लंबी नहीं रखनी है, बराबर नीचे समान मैं इसको रखूँगी। ज़्यादा नीचे मैंने यहाँ पर पल्लू नहीं लिया है क्योंकि हम ओपन पल्लू लेंगे तो पल्लू नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर हम छोटा ही पल्लू रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हम ये बॉर्डर निकालेंगे और इस बॉर्डर को हम अच्छी तरीके से सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब फ्रंट के प्लेट्स हम बनाएंगे। फ्रंट के प्लेट्स हम बेली बटन से आगे 2 इंच रखते हुए थोड़े से चौड़े प्लेट्स मैं यहाँ पर बनाऊँगी। अगर आपका बेली फैट है तो आप चौड़े प्लेट्स बनाया ज़रूर बनाइएगा, और आप चाहते हैं छोटे छोटे प्लेट्स तो छोटे प्लेट्स भी बना सकते हैं। साड़ी के लेंथ के हिसाब से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप थोड़े चौड़े प्लेट्स बनाएंगे तो आपका जो फ्रंट का लुक है वो थोड़ा सा प्लेन आ जाएगा, सामने की तरफ से फूला फूला नहीं आएगा और सामने का लुक आपका एकदम से फ्लैट दिखाई देगा। सो इस तरीके से अगर आप प्लेट्स बनाएंगे तो आपके सामने के प्लेट जो है तो एकदम अच्छी तरीके से और इजीली बैठ जाते हैं और फूला फूला लुक आपका नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से हाथ से प्रेस कीजिएगा, जहाँ पर कड़क पोर्शन आपको लगता है साड़ी का वहाँ पर आप हाथ से प्रेस करके उसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, पीछे से मैंने एक प्लेट छोड़ दी है और इस प्लेट को अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से लेते हुए मेरे कमर में खींच लेना है। जो लास्ट वाली प्लेट है उसको हम इस तरीके से छोड़ देंगे और खींचते हुए कमर में टकिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी साड़ी की रैपिंग अच्छे से टाइटली फिटिंग के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से हम इसको सारे प्लेट्स को सिक्योर कर लेंगे। अंदर की तरफ इसको हम टकिंग कर देंगे और बाद में नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से बनाएंगे और बनाकर इसको हाथ से, एक हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि हमारे साड़ी की प्लेट से एकदम से परफेक्ट लिया जाए। अब सारे प्लेट्स हम इस तरीके से लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको इस तरीके से लेते हुए इसको हम अब क्या करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे तो ये इजीली और परफेक्टली ड्रैप हो जाते हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फुला फुला लुक हमारा आता है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है और साड़ी के जो प्लेट्स हैं, फ्रंट प्लेट्स, वो ईजिली और अच्छे से ड्रैप हो जाते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर जो सामने के प्लेट है वो अच्छी तरीके से रैप हो चुके हैं। अब एक पिन की हेल्प से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी। अब आता है कि हमारा सामने की तरफ से पल्लू, तो यहाँ पर हम पल्लू लेंगे और इसको अब मैं थोड़ा सा पीछे की साइड, हमें पल्लू को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। एकदम शोल्डर पर मत रखिएगा, नहीं तो हड्डी पर पिन चुभ सकती है, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लेना है। अब हम क्या करते हैं, यूजली इस तरीके का पल्लू लेते हैं और इसको लेकर हम इस तरीके से रखते हैं, लेकिन अगर हम हाथ नीचे करते हैं तो ये एकदम से गिर जाता है और बार बार हमें सेट करना पड़ता है। सो आप इस तरीके से पल्लू लेते हैं तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग दिखाऊंगी जिससे कि आपका जो पल्लू है एकदम से ईजिली ड्रैप हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ये नीचे अगर आप छोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाता है और आपको इस तरीके से बार बार ये सेट भी करना पड़ता है। तो चलिए, कौन सी ट्रिक है तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। सो देखिएगा, इस तरीके का पल्लू हम लेते हैं। तो पल्लू लेने के बाद हमें क्या करना है, इजीली इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पर बनानी है। जो पल्लू की बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम पूरा रखेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स के साथ और टाइटली हम इस तरीके से खींचेंगे और खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से देखिएगा, ये जो पोर्शन है हम ऊपर की तरफ, एक हाथ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे से अच्छे से हम एक एक प्लेट्स को बनाएंगे ताकि सामने का लुक भी हमारा अच्छे से उभर कर दिखाई दे। अब इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर हम एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे।
और सारे जो प्लेट्स है उसको भी एक इक्वली आप बना लीजिएगा। देखिएगा सामने का लुक कितना अच्छा आया है। और सेफ्टी पिन की हेल्प से कमर के कपड़े के साथ हम इसको सिक्योर कर लेंगे। सो इस तरीके से सिक्योर करने के बाद जो हाथ पर हमारी जो बॉर्डर आती है पल्लू की, उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिएगा इसलिए मैंने छोटा पल्लू रखा था। ओपन पल्लू में ज़्यादा पल्लू अगर आप लंबा रखोगे तो वो नीचे गिर जाता है और नीचे भी फ्लोर को टच करता है। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे तो ये बराबर सब पल्लू हो जाता है और ज़्यादा नीचे नहीं आता। सो इस तरीके से देखिएगा एकदम इजी हो जाता है। और अंदर की तरफ हमने पिन लगाई है, किसी को पता भी नहीं चलता और अच्छे से इजीली हम इसको कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ भी छोड़ोगे तो ये आपको बार बार सेट करना नहीं पड़ेगा। सो इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।